हाई एवरी बडी हाई गाइज दिस इज़ डॉक्टर गीतांजलि शर्मा वेलकम यू गाइज बैक अगेन टू दी ओलम्पियाड लेवल क्वेश्चन सेशन ऑफ टॉकिंग टेक्सट बुक्स ठीक है सो so, बच्चों आज हम लोग ओलम्पियाड लेवल क्वेश्चन देखेंगे एंड आई रियली होप रिविजन किया होगा एटलीस्ट थोड़ा देखा होगा क्योंकि अगेन एंड अगेन आई रिपीटेडली टोल्ड यू टिल माई रिविजन सेशन एज वेल कि बहुत लेंथी चैप्टर है बहुत सारे फाइलम है मतलब इतने डिवीजन क्लासेस मतलब पागल हो जाओगे अगर एक साथ सब सा पढ़ोगे तो ठीक है और इस सेशन में मज़ा भी तभी है अगर आपने रिवाइज किया है तो जिन्होंने किया है जिनका थ्योरी स्ट्रांग है दे वुड एन्जॉय इट एल्स बाकी लोग कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा ठीक है बिकॉज uh, मैंने बोला था दिस इज दिस इज मच ऑफ अ थ्योरी यार मतलब इसमें मोस्टली थ्योरी है जो आपको एनी वेज आपको ग्राफ करनी ही पड़ेगी यू गॉट नो चॉइस ठीक है तो रट्टा तो मारना ही पड़ेगा है ना अब जितना ज्यादा डायग्राम्स और फ्लो चार्ट जो आपको दिए हैं डिफ्रेंशिएटिंग टेबल्स आपको दिए हैं इफ यूजिंग इट वाइसली उसको अगर अच्छे से पढ़ रहे हो फॉर श्योर देर इज नो प्रॉब्लम ठीक है कुछ इश्यू नहीं होगा तो जिन्होंने भी अगर इसका रिवाइज किया है बहुत अच्छे से पढ़ाए तो गाइज ऑल द बेस्ट दिस इज अ सेशन फॉर यूनर इंजॉयड लाइक एनीथिंग सो येस गाइज थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी यूर सबसे पहले तो सो यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉकिंग टेक्स बुक्स कोटा लाइव लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड और जो भी लोग यहाँ पे नए हो यू नो जस्ट टू चेक दी नॉलेज सो आप लोगों का भी बहुत बहुत, बहुत वेलकम है ऑफकोर्स सब्सक्राइब uh, कर लेना चैनल को बिकॉज दीज आर सर्टन सेशन एंड उसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट्स न्यूज एक्सेट्रा एक्सेक्ट्रा एक्सेट्रा वी एज अ टीम ऑफ टी टी बी Keep on bringing for you guys. All right. So, bacho uh, again, a little bit of information about talking textbook. Since we've got lot many students here, we've been straightforwardly directed here. So, uh, yes, of course, most welcome back again. So, this is a platform which is getting you prepared for school examinations. As you can see. छठी से दसवीं कक्षा के और सिक्स सेवेंथ एंड एट ओलंपियाज इफ एनी ऑफ यू इज प्रिपेयरिंग फॉर इट वेल डन एट द वेरी राइट स्पॉट ऑफ कोर्स राइट आठ टी टी वी वाओ कंग्रेचुलेशन ऑलरेडी एंड ऑफकोर्स इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन लाइक एन टी एस सी एन एस सी जे एस एंड पी आर एम ओ

क्यों बिकॉज सोशल मीडिया यूज करने में तो आप लोग वैसे ही एक्सपर्ट हो तो ऑब्वियसली समझ गए होंगे क्या है ये एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज ऑलरेडी नो सो दिस इज दी ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल ऑफ टॉकिंग टेक्स बुक्स सो इफ यू गाइज वन हैव अ स्नीक पीक एंड वॉट मटीरियल एग्जैक्टली हैज़ बीन डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ टॉकिंग टेक्स बुक्स

कमेंट भी देखने के लिए मुझे यू you नो know, मेरी आंखें तरसती हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी कॉम्प्लीमेंट्स हमको पसंद है इज इंटेड सो गाइज थोड़ा कमेंट सेक्शन भरा करो ठीक है मेक इट मोर इंटर लेट एस सी हु गाइज आर वाचिंग मी यर एंड हाउ यू गाइज इंजॉइंग द वीडियो रियली 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 लाइक टू नो एंड ऑफकोर्स चलो बैक टू द टॉपिक यहाँ पे तो आप सर्च में जब डालोगे टी टी बी जीरो सिक्स टू टी टी बी जीरो वन जीरो ठीक है फॉर क्लासेज सिक्स टू टेंथ वॉट यू नीड टू डू इज कि ये क्लासेस के ग्रुप को आप क्या कर जाओगे यू विल बी रीडायरेक्टेड एंड जस्ट यू हैव टू ज्वाइन द ग्रुप एंड देन इट्स डन सो आपका सारा का सारा जो भी प्रॉब्लम है जो भी इंफॉर्मेशन यू यू विल बी गेटिंग हियर एंड ऑफकोर्स दिस इज टेलीग्राम वन थिंग एंड द अदर थिंग इज दिस सो इफ यू नो मोर अबाउट टी टी बीफ यू परचेज द एक्सक्लूसिव पैकेज द एक्सक्लूसिव मटीरियल बिकॉज इट्स वेरी हाईली प्रिसाइज हाईली कंसाइज मटीरियल स्पेशली फॉर एग्जामिनेशन एक्सामिनेशन वट एवर यूर यू नीड टू रीडायरेक्ट योर सेल्फ यूर इन दर यूर गेटिंग एवरीथिंग एट द स्पॉट सो वट यू नीड do is just go and visit www.talkingtextbooks.in and then as you can see here there are two boxes so according to your own convenience we've already kept all the packages at a very very minimal rate since our logo says leaving no child behind and so is our motto so we just wanted that जितने भी बच्चे हैं वजह आउटसाइड कोटा हो के नॉट अफोर्ड कमिंग योर एंड नॉट ओनली अबाउट अफोर्डेबिलिटी बट अन एक्सेसिबिलिटी एंड वड एवर दे कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन सो हमारा मेन uh, मकसद टी टी पी का यही है कि हम कोटा लेवल क्वालिटी एजुकेशन पैन इंडिया पहुँचा सके जो लोग भी कोटा नहीं आ सकते और राइट सो वो पैकेजेस इसलिए बहुत मिनिमल प्राइसिस पे हैं एंड ऑफकोर्स इफ़ यू वॉन्ट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ थर्टी परसेंट तो मैं हूँ ना यानी कि मेरा कोड है ना So uh, you can apply my code GS Live as you can see here. So if you're applying this code, you're getting 30% instant discount. So it's like wali baat. So You can use my code GS Live, of course. All right, and then you've got all the payment methods like credit, debit, net banking, wallets, blah blah blah. Like everything is available for your parents, of course. So yes, आप इसको फटाफट से grab कर सकते हो, ठीक है? बच्चों मुझे देखना बंद करो, इसको note करो. That is GS Live. All right, so चलो moving ahead. there we go to the cardinal promise which i always call it as an exclusive ritual of talking textbook that is a promise to self so aaj notes nahi banane hain वैसे बनाने हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि यू नो एडिशनल है ठीक है तो आपको क्या करना है कि um, वो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करो as i always say बच्चों यार like n number of questions you can see so what you need to do is simply जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है उस ज्ञान को बटोर लो और अपने नोट्स में एड ऑन कर लो सो so, ठीक है अगर नहीं करोगे तो वो तुम्हारा लॉस है और राइट बिकॉज दे लॉट मेनी क्वेश्चन सब कुछ एंड नहीं हो सकता है सो प्लीज दैट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज डू इट फॉर योर ओन सेफ सो दै वी गो आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट्स आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट विच आई ऑलरेडी नो माई की आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट so you are here of course right so let's just begin with that the olympia level question session for diversity of living organisms that goes with our lecture 12 so ye raha pehla sawal aapki computer screens par jab tak main pen select kar leti hu वाह यार इतना धड़ा धड़ बोलना पड़ता है बट आई सो एंजॉय इट ऑल सबको समझ में आ ही जाता है of course. ठीक है <laughs> चलो ये रहा first question. फॉलोइ ऑर्गैनिजम हैज फीट एज लोकोमोट्री ऑर्गन टू फीट मैंने लेक्चर के टाइम पे बताया था एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किसी किसी के किसी के लोकोमोट्री ऑर्गनो देफरेंट सो प्लीज रिमेंबर दोज टर्मिनोलॉजी सो प्लीज आंसर दिस वट शुड बी दी आंसर सो दंसर या वुड बी क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर स्टार्प विच इज एन इकाइनोडम इकाइनोडम एटा पढ़ा था ना हम लोगों ने तो उन्हीं में होते हैं टू फीट राइट आई होप यू गाइज मास्ट एज वेल मूविंग टू दी नेक्स्ट विच ऑफ दंगडम्स कंप्राइजेस ऑफ एलगी अब बच्चों अगर एलगी के फीचर्स पता है तो फॉर श्योर दिस इज अ वेरी लल्लू क्वेश्चन फॉर यू ऑल और राइट बताओ दस सेकेंड भी नहीं लगने चाहिए फाइव थ्री टू वन सो द्लानस दे कंटेन क्लोरोफिलइज दे ओन फूड इसलिए आलगी को रखा गया प्लांटे में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज क्लासिफिकेशन यू डू डेल वट इज क्लासिफिकेशन देखो क्लासिफिकेशन क्या था बच्चों कि हम उन ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर सेम ग्रुप्स में प्लेस करते हैं बेसिस ऑन देयर स्ट्रक्चर देयर मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है सो अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट शुड बी द आंसर यर सो द आंसर यर वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन गोज दैट और राइट फॉलोइ ट्रीज ऑफ प्लांट एंडक्लोज इन टू दूट इज फ्रॉम प्लांट डाइवर्सिटी यानी कि पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कौन से प्लांट सीड बियरिंग होते हैं क्योंकि सीड बियोरिंग होते हैं लेकिन एक ग्रुप ऐसा होता है जिसमें सीड इज नॉट एनक्लोज नेकेड सीड होती है और एक होती है एनक्लोज्ड ठीक है कौन से होते हैं सीड्स एंडक्लोज इन द फ्रूट वेरी इजी

एच विटेकर ठीक है चलो नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज क्लासिफिकेशन सीम स्कीम सॉरी विच इज द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा कॉमनली एक्सेप्टेड था आंसर या वुड बी विटेकर आर एच विटेकर ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो उसका सिर्फ एक ड्रॉबैक था सिर्फ एक ड्रॉबैक था ठीक है हालांकि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था कार्लोस ने जो बैक्टीरिया को आर के एंड यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया था विच आई ऑलरेडी टोल्ड इन द क्लास लेकिन एक और ड्रॉबैक था सिर्फ एक ड्रॉबैक था इसका उसके ऊपर भी क्वेश्चन है और लेट्स सी हु आंसर्स इट राइट ऑलराइट सो चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो बिलोंग्स टू इज इट पॉरीफेरा एस खेलमिंथीज एनलीडा और आर्थ्रोपोडा सो so, बच्चों देखो अगर यहाँ पे हम लोग हमें नहीं भी पता है, नेम नहीं पता है चलो मान लो कि एक एक्सवाइजेड एनिमल है इसका हमें नेम नहीं पता तो कैन यू सी कि दैट इज गॉट पहली बात तो अगर आप देख सकते हो बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है राइट एंड ईच सेगमेंट ईच सेगमेंट हैज गॉट व्हाट अ पेयर ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर तो ये सिंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम फीचर्स जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है राइट right? सो so, अगर Um, if somebody has guessed it right, so I'll be very very happy if you know this answer because the answer is arthropoda because they have got paired appendages and segmented body, right? And each segment would be a, a pair of appendages. All right. Chalo next. Which of these classes of animals have dry scaly skin, internal fertilization, and are cold-blooded? So you've got three. Characteristics here already dry, scaly skin, internal fertilization, and cold blooded animals. What should be the answer here? Apes, amphibians, Pisces, or reptiles. सो दी आंसर या वुड बी योर रेप्टाइल्स है ना ड्राई स्की स्किन होती है ठीक है बच्चों कोल्ड ब्लडेड होते हैं ठीक है एंड ऑफकोर्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल ना विच इज नॉट एन एम्फीबियन नॉट एन एफीबियन बच्चों वी ऑलवेज मिस्टेक एट टाइम्स वे आर ऑलवेज मिस्टेक यूजअली हम लोग मिस्टेक करते हैं कहाँ क्वेश्चन को रीड आउट करने में उसके बाद ऑप्शन तो ऑब्वियसली हमें समझ नहीं आते आंसर इज जीरो निलवटा सन्नाटा तो प्लीज़ क्वेश्चन को हमेशा पहले ढंग से पढ़ो Which is not an amphibian? Is it lizard, frog, salamander or newt? Yes, ये भी एक organism होता है। अजीबो गरीब सा नाम है, but yes. <coughs> so the answer here would be. बताओ जी क्या होना चाहिए? ज ड्रॉबैक ऑफ द फाइव इंडियन क्लासिफिकेशन सी आई जस्ट टोल्ड यू की एक ड्रॉबैक आएगा उस पर क्वेश्चन है एंड ये रहा वो क्वेश्चन ले मिस हाउ मेनी ऑफ यू आंसर करेक्टली फटाफट फटाफट बच्चों दर इज The distinction of the unicellular viruses. Then, since ye living or uh, uh, non living ke beach ke, uh, you can say ke this is a connecting link between the living and the non living, so no space given. Now, which of the following organisms has the water vascular system as a distinctive feature? Water vascular system as a distinctive feature. What should be the answer? So the answer here would be. बच्चों देखो ये ऐसे सवाल ना बहुत आएंगे द थिंग इज के एज यू कैन सी इट्स वेरी इजी बट द थिंग इज अगर आपको थ्योरी बिल्कुल टिप्स में है यू कैन आंसर इट वेरी वेल ऑल राइट सो ऑल यू नीड टू डू इज थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आराम से आंसर पता होगा आंसर वुड बी फीचर्स अगर पता है तो दे आर इज दिखाई नो डरमेटा ठीक है ना द फंक्शन ऑफ द पार्ट लेबल्ड पी इन द गिवन फिगर ठीक है ये समझ में आ रहा है क्या है पैरामीशियम है ना सो so, पी जो ये स्टार कलर का ये आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आएगा ये ठीक है बट इट्स ओके स्टिल आई एम गिविंग यू सम टाइम जस्ट टेन सेकेंड्स लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व इट आउट अगर आता होगा तो विद इन टेन सेकंड यू वुड सो आंसर यर इज बच्चों सबसे पहले जो ये पी है दिस इज योर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल

वेरी इजी अगेन बच्चों बहुत इजी थ्योरी क्वेश्चन है देखो इसमें कुछ भी नहीं है अगेन एज आई टोल्ड यू शुड हैव अ वेरी फाइन थ्योरी अगर आपको आता है तो ये आराम से आप आंसर कर दोगे प्रोटेस्ट जो होते हैं बच्चों दे आर कंपेरेटिवली डेवलप्ड राइट मेमरी बाउंड सेल ऑर्गेनलीज इफ यू रिमेंबर दी एग्जामिने एग्जाम्पल्स यूग्लीना पैरामीशियम किसमें आ रहे हैं तो बताओ क्या है भाई आंसर इज़ सी, है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्रोमोजम सन्क्लोज यानी कि वेल डिफाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाउंड सेल सेलोगीज बाउंड बाई मेम्ब्रेन। मेंब्रेन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ निडेरिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ निडेरिया वेरी इजी अगेन वेरी इजी इफ यू रिमेंबर द थ्योरी अफकोर्स बहुत बिल्कुल स्ट्रेट थ्योरी का उठाया क्वेश्चन है बायोलिट्रल सिमिट्री एंड सेगमेंटेड एंड डिप्लोब्लास्टिक एंड आई डी ली डोट नीड टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड अगेन वट आर दिस टर्मिनोलॉजी लिंक टू बिकॉज वीव ऑलरेडी डिस्कस दम ऑल इन डिटेल इफ एनी इश्यू प्लीज गो एंड मैं वापस बोल रही हूँ रिवाइज करो पढ़ो उन लेक्चर्स को वापस लो Which of the following pairs of organisms and their characteristic features is wrongly paired? थोड़ा सा इधर उधर हिलावा क्वेश्चन है लेकिन हाँ आ जाएगा। So the answer here should be A, B, C or D। चलो नेक्स्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट बताओ कौन सा हो सकता है

बॉडी कैविटी कोर्स होता है, symmetry, course, होता है, होता है और is, अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की तो सेलवॉल की तो बात ही नहीं आती है cell में cell होता ही नहीं है ठीक है नेक्स्ट dash is one of the basis for classification of plants so the answer here should be आंसर क्या होना चाहिए यहां पे बोथ एंड बी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू तो बच्चों देखो ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम एम एबसेंट होता है ठीक है कहां से प्रेजेंट है टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट है में प्रेजेंट है ना में प्रेजेंट है है ठीक उसके अलावा सीड बियरिंग प्लांट्स हमारे दो होते हैं जिम्नोस्पॉम्स एंड एनजियो उसमें भी जिम्नोस्पॉम्स की सीड्स होती है नेकेड एंड एनजियपॉम्स की होती है फ्रूट सो द आंसर हियर इज दिस नाउ नाइनटीन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पॉन्जीलिया लीच डॉल्फिन एंड पैंग्विन इज करेक्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि किस कैटेगरी में ये बिलोंग करती है एंड उसके अकॉर्डिंग आप आंसर आराम से दे सकते हो दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन बच्चों ठीक है सो so, मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूं वो है ये अगर किसी को आता है वेल एंड गुड नहीं आता तो ये दैट दे स्पेशल सेल्स कॉल्ड खुवेट्स स्पेशल कोल कॉलर्ड सेल्स इसको प्लीज ऐड कर देना सो ऐड टू योर नोट्स ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैच दी कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स चलो फटाफट से कर दो ये भी अगेन वेरी इजी अगर आपको अच्छे से थ्योरी आता है तो दिस इज सुपर इजी ऑलराइट चलो जल्दी से बता दो क्या आंसर होना चाहिए इसका बहुत इजी सा है करेक्ट आंसर वुड बी ठीक है एंड आई रियली डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होना चाहिए स्ट्रेट क्वेश्चन है बच्चों अगर थ्योरी आता है आराम से आंसर कर सकते रिद्धि अ क्लासिफिकेशन चार्ट आर शोन नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आडिफाइज द कैरेक्टर्स एक्स वाई पी और क्यू दी आंसर यर शुड बी डी ठीक है अब देखो इसमें एक्स जो है वो हो गया ए सिलोमेट ठीक है ये हो गया आपका यू सिलोमेट दिस वुड बी रेडियल सिमिट्री एंड दिस वुड बी बाइलेट्रल सिमेट्री ठीक है सो आई होप दिस इज डन नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द गिवन पैसेज एंड फटाफट से आंसर कर दो इसका रीड कर लो भाई खुद से और आंसर करो सो द आंसर या शुड बी सी बच्चों देखो इनका प्लांट बॉडी जो होता है ठीक है इसमें ये बताया गया है दैट इफ वी टॉक देन द डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट ठीक है डोमिनेंट प्लांट बॉडी यस स्पोरोफाइट होता है अब वो स्पॉन उसमें जो स्पोर्स होंगे ठीक है लेकिन आइर भी होमोस्पोरस और हीट्रोस्पोरस बट द बॉडी इज दिस है ना एंड आज वी नो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनके पास वैसकुलर टिश्यूज होते हैं ठीक है थीके? स दे डू कंटेन वैस्क्यूलर टिश्यूज बट दे लेक ब्लैक वैसल एंड कंपेनियन सेल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट दन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिसम लेस नंबर ऑफ जर्म ले पे सेलेक्ट दन आउट दंसर यर इज दिस बिकॉज दिस इज दी ओनली वन विच इज डिप्लोब्लास्टिक ठीक है रेस्ट ये तीनों जो है क्या है ट्रिप्लो ब्लास्टिक तीन जो हमले हेक्स्ट करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड ओके सो दिस इज इजी आर मतलब ये um, हाँ अगर आपने एग्जाम्पल्स पड़े हैं तो आपको आ जाएगा आराम से आ जाएगा ये अगेन इज एन ईजी क्वेश्चन so the answer here is if somebody has got any confusion हमने इसके जो है examples discuss किए थे उसी में से ये ठीक है so वहां जाके आप देख सकते हो ठीक है उसके लिए आपको याद होने चाहिए है ना next suppose you accidentally find an old preserved permanent slide without label in order to identify it you place the slide under microscope and observe the following features unicellular well defined nucleus biflagellate वन लॉन्ग फ्लैजुल रीड करते रहो खुद भी रीड करते रहो इसको ओके okay. यूनिसेलर है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है एंड बाई फ्लैजुलेट ओके वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट फ्लैजुलम ठीक है क्या होना चाहिए भाई आंसर बताओ uh... ठीक है चलो नेक्स्ट एनिमल एक्स इज कोल्ड ब्लडेड एक्स एनिमल है जो कि कोल्ड ब्लडेड है स्केल्स हैं लंग्स हैं उसके पास स्केल्स हैं लंग्स हैं यार ह्यूमन तो नहीं है पक्की बात है स्केल्स कहाँ होते हैं हमारे फोर चैम्बर्ड हार्ट ओके फोर चैम्बर्ड हार्ट ध्यान रखना हमें इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड भी पड़ा है अच्छा एग लेंग है ओवी है ये टफ कवरिंग है वेल अडेप्टेड टू ड्राई लैंड कंडीशन कौन सा है रेपर्टेल? बताओ भाई कौन सा है मेरे अकॉर्डिंग जो है आंसर तो मुझे मिल गया अगर हम सारा देखें तो ये बच्चों क्रोकोडाइल के अलावा जितने भी इस कैटेगरी में हैं देर इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा है जिसका कंप्लीट होता है ठीक है सो आई होप दिस इज डन इस तरीके क्वेश्चन आते हैं सो so, यस yes. नाउ दिस इज़ दी कम्प्लीशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चों की मोस्टली जो है यहाँ पे um, इस तरीके क्वेश्चन मोस्टली थियोरिटिकल क्वेश्चन हैं बेसिकली उठे हुए जो हैं ठीक है थीके? आप लोग को क्या करना है थ्योरी अपना फॉर्म रखोगे तो ये कुछ भी नहीं है एवं आई नो कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कन्फ्यूजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो जाता है बट इट्स ओके जो भी है दैट इज़ नॉट अ मैटर सो वट यू हैव टू डू इज दैट Uh, जितना हो सके थ्योरी प्लीज़ रिवाइज करो मैं वापस बोल रहा हूँ किसी को कुछ इशू है लेक्चर जाके देखो यार आप ऑलरेडी एंड कॉपरेटेड माई नोट्स एंड देन वेन कम टू द टी टी वी मॉड्यूल आपके लिए और ईजी हो जाएगा कहीं से और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है ठीक है है ना सो येस दिस कम्स टू द एंड ऑफ आर लेक्चर सो अगर आपको अच्छा लगता है डू हिट दट लाइक बट एन ऑफकोर्स मेक इट मोर इंटरेक्टिव कॉमेंट्स में ठीक है एंड सब्सक्राइब टू दैनल ऑफ टी टी वी एन ऑल सो हिट दट बेन लाइक फॉर सच एगुलर अपडेट्स last may thank you so much for being with me guys this is dr gitanjali sharma and i'll see you later bye take care